खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल को लेकर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ेगी। इस दौरान 20 से अधिक अधिवक्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले जिला पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसको लेकर पार्टी ने एक आवेदन फार्म जारी किया है। इस फार्म के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में आवेदन मिले हैं, जिनमें से बेहतर उम्मीदवार का पार्टी समर्थन करेगी और चुनाव लड़ाएगी। इसी कड़ी में 20 से अधिक अधिवक्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार का जो विकास का मॉडल है, दिल्ली सरकार ने जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक काम किया है, पूरे देश के अंदर एक मॉडल पेश किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, ये सारे लोग उत्तर प्रदेश के अंदर उस मॉडल को लाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सरकार का जो विकास का मॉडल है, हमारे कार्यकर्ता उस मॉडल को लेकर उत्तर प्रदेश के गांव-गांव घर-घर जाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान की है, तो हम उत्तर प्रदेश में जो जाति और धर्म की राजनीति है, हम उसके खिलाफ जनता की राजनीति करेंगे। आम आदमी पार्टी ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर 65 जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति की है। प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने बताया कि मजबूती से पंचायत चुनाव लड़ने के उद्देश्य से कई पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।